झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए सरकार को आम जनता का विरोधी बताया है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लोहरदगा पहुंची गुंजन सिंह का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज्य सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, सरकार ने जमीन भी लूटा, जंगल भी लूटा, जल और पर्वत भी लूटा। केंद्र सरकार जो सपना देख रही है वह विफल साबित होने जा रही है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, मगर बेटियां कहां पढ़ रही हैं, कहां बच रही हैं। लगातार शोषण हो रहा है और बलात्कार की घटनाएँ हो रही हैं। रघुवर सरकार में बेटियों की संख्या घट रही है। राज्य में चाहे अनाथ आश्रम हो, बाल गृह हो, या राज्य में महिलाएं रोड पे चले या घरेलू हिंसा, इतना आए दिन बढ़ गया है, त्रस्त है जनता। और कहा जा रहा है कि मतलब एक आम नागरिक की यह आवाज़ है, आपने जमीन भी लूटा, जंगल भी लूटा, जल भी लूटा, पर्वत भी लूट लिया। तो रघुवर दास जी को अब सोचने की ज़रूरत है कि वो जो सपना देख रहे हैं, केंद्र सरकार जो सपना देख रही है वो बहुत ही विफल साबित होने जा रही है। आपने नारा दिया कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटियां बढ़ रही हैं? आप शोषण कर रहे हैं, बलात्कार हो रही है आपके सरकार में, बेटियां घट रही हैं। तो ये सरकार की बहुत ही विफल रणनीति है, ना वो आदिवासियों के हित में है, ना महिलाओं के हित में है, ना युवाओं के हित में है, ना किसान और गरीब के हित में है।